तो अर्ली मॉर्निंग और मैं पुणे के एयरपोर्ट पहुंच गए हूं गाइस। तो कुछ ऐसा है, और ये अंदर से काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन मैं ओवरऑल आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं सिक्योरिटी चेक इन अपना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सुबह के 4:30 बज गए हैं, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मेरी कैब नीचे आ गई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ पुणे से दिल्ली। आप लोगों को थोड़ा पुणे एयरपोर्ट के आसपास का दिखा दूंगा आज के इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट वाले व्लॉग में मैंने पुणे का कवर नहीं किया था एयरपोर्ट। तो आज मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट है, दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी वाइफ और बच्चे आज आ रहे हैं, तो आज ही मेरा रिटर्न होगा। दूसरा व्लॉग बनेगा दिल्ली से पुणे का। तो अभी आज मैं आप लोगों को पुणे के आसपास एयरपोर्ट के आसपास का ये सारा व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले मैं ब्रेकफास्ट अपना कर लेता हूँ। कैब आ गई है गाइस, ये देखिए मॉर्निंग का नज़ारा। तो जर्नी करते हैं स्टार्ट। सोसाइटी से मैं निकल रहा हूँ, आप लोगों से आगे मिलते हैं। चलिए, शिवाजी चौक ना, छत्रपति शिवाजी चौक। तो फ्रेंड्स, हिंजौड़ी फेज़ वन से थोड़ा आगे मैं निकल गया हूँ। यहाँ से मुझे 45 मिनट्स अराउंड लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने में। तो गाइस, अभी तो काफ़ी अंधेरा है सिटी के अंदर, हो सकता है जब तक मैं एयरपोर्ट पहुँचूँ तब तक अपना सनराइज़ हो जाए और थोड़ा क्लैरिटी दिखे आप लोगों को, वीडियो में क्लियर समझ में आए। और नहीं भी होगा तो एयरपोर्ट के आसपास तो विजिबिलिटी ठीक ही रहती है, वहाँ पर लाइट्स वगैरह रहती हैं, तो आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँ। ये वाला है ना एरो मॉल, अभी आप इसके अंदर जाओगे? हाँ। तो गाइस, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और डिपार्चर 7:30 के आसपास का है। काफ़ी जल्दी पहुंचा दिया आपने, कितना हो रहा है? 5:30 पे हुआ है। इसमें तो एक ही टर्मिनल है वैसे, छोटा ही है। हाँ, एक ही है ना। यहाँ से एरमोल का रास्ता ऊपर, अच्छा एस्केलेटर है, मैं वही देख रहा था। सो फ्रेंड्स, हम लोग पुणे एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, और अभी जो मैं कैब वाले से बात कर रहा था एरो मॉल की, वो स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं सामने, एरो मॉल बिल्कुल सामने ही है। वहां पे खाने पीने की सुविधा मिल जाती है, और जब आप पुणे लैंड करते हैं और आपको कहीं जाना हो तो आपको कैब ओला उबर वहीं पे एरो मॉल के अंदर मिलती है। तो उसके लिए आपको स्टेयर से या एस्केलेटर से ऊपर वाले फ्लोर पे जाना होता है, और वहाँ पे आपको कैब मिलती है। तो कैब का जो बुकिंग पॉइंट है वहीं पर है, ठीक है। और सामने देखिए आप, डिपार्चर गेट्स हैं, दो गेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, और एक्सट्रीम राइट में जहाँ को एक कैब जा रही है, कार जा रही है, वहाँ पर आपको अराइवल पॉइंट है, जब आप आएंगे तो वहाँ पर आएंगे। और ये सामने स्क्रीन में आप देख रहे थे कि कुछ यहाँ पर काउंटर्स भी हैं राइट साइड में, यानी कि टिकट काउंटर्स हैं। और फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि डिजी यात्रा से आज मैं कैसे एंटर करने वाला हूं, और काफ़ी एकदम बहुत इजी हो जाता है डिजी यात्रा से ट्रैवल करना। ये देखिए, आप लोगों को मैं कियोस्क दिखा देता हूं। यहां पे कियोस्क है अगर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना है, लेकिन मेरा ऑलरेडी किया हुआ है। लास्ट व्लॉग में जब मैं दिल्ली से पुणे आया था तो मैंने यूज़ किया था डिजी यात्रा का, आज पुणे से दिल्ली के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट आगे के डिजी यात्रा। आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो थोड़ा। हाँ जा। अरे वाह, थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा ना, तो वहाँ पे कोई भीड़ थी ना कोई लाइन लगी थी लंबी सी, और मैं इतने क्विकली अंदर एंटर कर गया हूँ एयरपोर्ट में। आपको यहाँ पे एयरपोर्ट दिखा दूँ मैं थोड़ा बहुत, अभी अंदर आते ही मैं लेफ़्ट साइड में जा रहा हूँ एयरपोर्ट के, थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसा है एयरपोर्ट अंदर से। छोटा एयरपोर्ट है लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखा देते हैं क्या कुछ यहाँ पर है। तो आगे से भी गेट्स हैं, अगर जो दूसरे गेट से एंटर हुए होंगे वो ये जो सामने देख रहे हैं इस गेट से अंदर पहुँचेंगे। हम यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं क्योंकि मुझे सिक्योरिटी चेक कराना है, तो पीछे जाते हैं वापस। सो गाइस, मेरे पास है सिर्फ केबिन बैग, और वो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, तो उसके लिए सिक्योरिटी से पहले कहीं पे बैग ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास चेक इन बैगेज रहता है तो वो आपको ड्रॉप करना होता है। और ये जो राइट में लोग आ रहे हैं, यहीं से मैं एंटर हुआ था अंदर को, तो आपको सामने की तरफ थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह हैं, और आगे कुछ खास और कुछ है नहीं। यहाँ से मैं रिटर्न हो जाता हूँ, और जिस गेट से मैं अंदर आया था उसके एग्जैक्ट सामने ही डिजी यात्रा के लिए एंट्री है, सिक्योरिटी चेक के लिए। तो डीजी यात्रा की एंट्री मैं एयरपोर्ट में कर दिया हूँ, अब अंदर सिक्योरिटी चेक के लिए भी डीजी यात्रा का ही मैं यूज़ करूँगा, और बहुत सीमलेसली ये यूज़ करके मैं अंदर पहुँच जाऊँगा। ये देखिए, मैं स्कैन करता हूँ, डीजी ऐप है जो मोबाइल में, ऑलरेडी उसमें मैंने अपलोड किया हुआ है अपना बोर्डिंग पास, और ये देखिए ईजीली फेस को डिटेक्ट करके वो अंदर पहुँचा देता है। तो यहाँ पर करवा लेते हैं सिक्योरिटी चेक, फिर अंदर से कंटिन्यू करते हैं। और ये देखिए, ये सब सामान निकाला था, इसको वापस पैक कर लेते हैं बैग में।
और गाइस मेरा ऊपर के फ्लोर में गेट नंबर 9, तो मैं ऊपर के फ्लोर में जाता हूँ, आपको ये थोड़ा आसपास का एरिया आपको दिखा देता हूँ ऊपर के फ्लोर में क्या कुछ है। मेरे गेट्स ऊपर के फ्लोर पे थे, तो यहाँ पे देखिए खाने पीने का आपको मिल जाएगा, चाय वाय आप पी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और सामने ही मेरा गेट है, गेट नंबर 9, पूरा कनेक्टेड है ऊपर का फ्लोर। तो मैं अभी बस घूम रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए सामने चाय के काउंटर, ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ पे खा पी सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लाउंज भी आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में है। तो चलिए आप सीधे बोर्डिंग गेट के पास चलते हैं। तो ये रहा गाइस आपके सामने गेट नंबर 9, यहाँ से मेरी एंट्री होगी बोर्डिंग। और अभी मेरा फ्लाइट का नंबर नहीं आया है, इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले में आप लोगों को मिल जाती है। और ये फर्स्ट फ्लोर में है, बाकी गेट नंबर 1-5 नीचे वाले फ्लोर में, मेरा ऊपर के फ्लोर में। और इसके पास में ही एक और गेट है, गेट नंबर 10। और आगे जाएंगे टॉयलेट है, यहाँ पे चाइल्ड केयर है, किसी की मम्मा को फीड कराना होता है बेबी को। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, हम लोग जेटवे से या कह लीजिए एयर ब्रिज से प्लेन के अंदर एंटर करने वाले हैं, शटल से आज नहीं कर रहे हैं, तो चलिए एंटर होते हैं। और ये एयर इंडिया की फ़्लाइट में हम एंटर कर लिए हैं, ये है अमीरों की सीट आगे वाली, हम गरीबों की थोड़ा पीछे पीछे है। और यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एग्ज़िट गेट्स, ये इमरजेंसी एग्ज़िट गेट्स हैं, यहाँ पे लेग रूम काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन हम थोड़ा और पीछे जाएंगे। ये रही मेरी सीट, आपसे निवेदन है कि क्रू के सुरक्षा निर्देशों पर ध्यान दें। सो फ्रेंड्स, यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करने जा रही है और आप लोग एकदम रॉ फुटेज देखिए, मैं इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डाल रहा हूँ, और थोड़ी देर एंजॉय कीजिए इस टेक ऑफ को। और गाइस यहाँ पे आ गया है अपना ब्रेकफास्ट, आप लोग जानते ही हैं कि एयर इंडिया में टिकट में ही इंक्लूड रहता है आपका मील, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो। तो यहाँ पे अभी हमें इस फ्लाइट में ब्रेकफास्ट मिला है, ब्रेकफास्ट करते हैं एंजॉय। और पास में अपने भाई जो बैठे हैं, इनसे थोड़ा दोस्ती हुई, इनसे गपशप लड़ाई हमने, और फूड काफ़ी डिलीशियस रहता है एयर इंडिया का। आप लोगों को भी एक छोटा सा व्यू दिखा देता हूँ मैं इस फूड का, ये देखिए। मॉर्निंग की फ़्लाइट्स का यार ये एक अलग ही मज़ा है, क्या वेदर है गाइस, देखिए हमारे नीचे बादल, बादल के नीचे सिटी, हमारे ऊपर बादल, हम दोनों तरफ से बादलों से घिरे हुए हैं, ये देखिए सामने से बादल, अरे यार क्या व्यू है मॉर्निंग। और अब हम आ गए हैं बादलों के भी ऊपर, और व्यू देखिए यार क्या शानदार है। और बस अब कुछ ही देर में हम लोग लैंड करने जा रहे हैं, हम लोग दिल्ली के ऊपर आ गए हैं, और थोड़ी ही देर में आप देखिए ये लैंडिंग होने जा रही है। तो मुझे आज थोड़ा लगा था कि आज हार्ड लैंडिंग होगी, लेकिन मेरे पास वाले भाई ने कहा नहीं सॉफ्ट होने वाली है, लेकिन ये निकली काफ़ी हार्ड लैंडिंग। और मेरा फ़ोन यहाँ पे, मेरा कैमरा मेरे हाथ से छूट गया, ये देखिए। कोई नहीं होता है गाइस, एयर इंडिया को दिल्ली में निर्धारित समय से 30 मिनट पहले आगमन करते हुए खुशी है। तो एयर इंडिया ने टाइम पे हमें दिल्ली पहुंचा दिया, हमें भी खुशी है। और आप देखिए फिर से हम लोग जेटवे से एयर ब्रिज से आज एग्ज़िट कर रहे हैं, तो आज शटल से हम लोग ना तो एग्ज़िट किए हैं ना एंटर किए हैं प्लेन में, दोनों टाइम हमें जेटवे से ही करना पड़ा है, तो अच्छी बात है। और यहाँ से भाई से जो मेरी दोस्ती हुई थी, इनको गुड बाय कह देंगे, क्योंकि इन्हें जम्मू कश्मीर के लिए निकलना है यहाँ से। तो चलिए इनको हमने बाय कहा, और यहाँ से निकलते ही आप देखेंगे ये यहाँ पे नेविगेशन इजीली आप लोग देख सकते हैं एग्ज़िट का, और आपको जो बैग अपना कलेक्ट करना है वो भी आगे से ही आपको मिलेगा एग्ज़िट के पास में। और ये देखिए काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है यहाँ पे दिल्ली का, पुणे के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है। और ये बस ख़त्म नहीं होगा, आगे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होने वाला है, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, देखते जाओ, चलते जाओ। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ से डोमेस्टिक इंटरनेशनल कई फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, इसलिए बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। एग्ज़िट हो गया, कितना 10 बजे पहुँचा हूँ दिल्ली, तो अराउंड 2 आवर्स। तो ये देखिए चलते चलते हम पहुंच गए हैं बेल्ट्स के पास में, यहाँ पे बेल्ट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मालूम नहीं कितनी बेल्ट हैं,
कई जगह से फ़्लाइट आती हैं, तो जो भी आपको बताया जाएगा आपकी फ़्लाइट में, जब आप अपने फ़्लाइट से एग्ज़िट करते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कौन सी बेल्ट में आपका लगेज आएगा। अगर आपके पास चेक इन बैग होता है, बड़ा वाला बैग होता है, तो इन बेल्ट से आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं सीधे एग्ज़िट कर रहा हूँ। ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे, और यहीं पे आपकी अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट दूसरी फ़्लाइट है तो उसको ट्रांसफ़र भी आप यहाँ पे कर लेते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन मैं करूँगा एग्ज़िट यहाँ से। ठीक है, सो गाइस मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। ये देखिए कितना बिजी एयरपोर्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे पुणे के कंपेरिजन में काफ़ी गर्मी हो रही है, गर्मी तो है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है जो जून जुलाई में होती है, लेकिन काफ़ी हद तक है गर्मी यहाँ पे गाइस। तो मैंने आप लोगों को कोशिश की कि जितना दिखा सकूँ मैं पुणे एयरपोर्ट का। कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। तो ये दिल्ली का अराइवल वाला पॉइंट है, अराइवल है यहाँ पे, और T3 टर्मिनल है। तो दिल्ली में T3, T2, T1 तीन टर्मिनल है, T2 और T3 पास में ही है और T1 थोड़ा दूर है। तो गाइस टाइम तो मेरे पास है ही, आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर सामने ही मेट्रो है, शटल बस यहाँ से मिल जाएगी आपको। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना हो तो यहाँ से शटल वगैरह आप ले सकते हैं फ्री में, या मे भी कुछ 10-20 रुपया लगेगा, यहाँ से काउंटर से आप पूछ सकते हैं। सो गाइस आप लोग जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, एग्जिट करते हैं, सामने ही रोड को क्रॉस करते ही ये रहा मेट्रो स्टेशन। सो गाइस कुछ ही देर में मुझे यहाँ से दोबारा फ़्लाइट लेनी है, तो उसके लिए मुझे ऊपर के फ्लोर पे जाना पड़ेगा डिपार्चर्स पे। अभी नीचे अराइवल्स पे था मैं, तो मेट्रो के अंदर से ही मैं ये एस्केलेटर लेकर ऊपर पहुँच जाऊँगा डिपार्चर गेट्स पे। और अभी वाइफ लोगों का वेट करूँगा, वाइफ और डॉटर इन लॉज मेरे यहाँ पे आएंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए, आप रिटर्न वीडियो देखने के लिए दूसरा वाला ब्लॉग चेकआउट कीजिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही था गाइस, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी किसी दूसरे ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।